आज़ बिल्लाह मिन शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आई एम योर केमिस्ट्री टीचर शाज़ेब कियानी, और आज हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स। अगर हम अल्कीन्स की बात करें तो अल्कीन्स की रिएक्टिविटी अल्केन और अल्काइन से ज़्यादा है। इट इज़ अ रिएक्टिव क्लास ऑफ कंपाउंड। ये क्लास रिएक्टिव क्लास है कंपाउंड्स की, बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स आर डबली बॉन्डेड एंड ईजिली अवेलेबल फॉर द रिएक्शन। अगर हम अल्कीन की बात करें तो अल्कीन में कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड होता है। कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग और एक बॉन्ड वीक होता है। तो जब भी कोई एक्सटर्नल रिएजेंट आता है, लाइक ये मैं इसे कह देता हूँ ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और एक बॉन्ड वीक होता है, ठीक है। जैसे ही कोई रिएजेंट आता है तो इस वीक बॉन्ड के ऊपर आकर वो अटैक करता है और ये वीक बॉन्ड टूट जाता है, जिससे अल्कीन किसी भी दूसरे एटम को ऐड कर लेते हैं और ये सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि इनका ये जो वीक बॉन्ड है ये वीक बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। तो इस वीक बॉन्ड के ब्रेक होने की वजह से, ड्यू टू द ब्रेकेज ऑफ दिस बॉन्ड, एक बॉन्ड रह जाता है और ये कन्वर्ट हो जाते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड के अंदर, ठीक है। तो ये सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। तो एज अ रिजल्ट द डबल बॉन्ड इज कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड, जिसकी वजह से डबल बॉन्ड, ये वाला डबल बॉन्ड है, ये कन्वर्ट हो जाता है सिंगल बॉन्ड। तो कार्बन टू कार्बन हमारे पास सिंगल बॉन्ड जो है वो बन जाता है, ठीक है। कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड था, ये कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड रह जाता है और अल्कीन्स कन्वर्ट हो जाते हैं सैचुरेटेड। पहले ये मौजूद होते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स की शक्ल में, ठीक है। आप देख सकते हैं इट इज़ एन अनसैचुरेटेड कंपाउंड और बाद में ये कन्वर्ट हो जाते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड में, ठीक है। अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड, तो द डबल बॉन्ड इज कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड। जो डबल बॉन्ड है ये कन्वर्ट हो जाता है सिंगल बॉन्ड के अंदर, ठीक है। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हम आगे डिस्कस करेंगे। अल्कीन्स के केमिकल रिएक्शन को एडिशन रिएक्शन कहा जाता है। एडिशन रिएक्शन जो करेक्टरिस्टिक है, एडिशन रिएक्शन इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अनसैचुरेटेड कंपाउंड से मुराद है कि एडिशन रिएक्शन कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड वाली अल्कीन्स भी देती हैं और एडिशन रिएक्शन कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाले अल्काइन्स भी देते हैं, ठीक है। तो इन विच द प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड बाय द एडिशन ऑफ सम रिएजेंट लाइक H2 लाइक Cl2, हम ये रिएजेंट्स ऐड करते हैं। अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक डबल बॉन्ड जो है वो टूट जाता है, याद रखिएगा एक डबल बॉन्ड टूट जाता है और दो नए सिंगल बॉन्ड बन जाते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास सबसे पहला रिएक्शन है हाइड्रोजीनेशन ऑफ अल्कीन्स। अगर हम बात करें हाइड्रोजीनेशन की तो इट इज़ द एडिशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजिनेशन इज द एडिशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, जो हमने अल्केन की प्रेपरेशन में भी पढ़ा था। ये मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन निकल या प्लैटिनम कैटलिस्ट की मौजूदगी में अक्रॉस द डबल बॉन्ड ऐड हो जाती है और ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। आप देख सकते हैं कि डबल बॉन्ड टूट गया और ये जो डबल बॉन्ड है, यहाँ पर दो बॉन्ड मौजूद थे, एक बॉन्ड टूट जाता है, वैलेंसी फ्री हो जाती है, उस वैलेंसी पर ये हाइड्रोजन आकर अटैच हो जाता है और हमारे पास एक अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड कंपाउंड बन जाता है। इस कंपाउंड की अगर मैं बात करूं तो दिस कंपाउंड इज नॉन एज इथीन और इस कंपाउंड को कहा जाता है इथेन, ठीक है। आप देख सकते हैं इसमें डबल बॉन्ड मौजूद है और इसमें सिंगल बॉन्ड। इंडस्ट्रियल स्केल पर ये रिएक्शन खासा इंपॉर्टेंट है। इंडस्ट्रियल स्केल पे अगर मैं इस रिएक्शन की बात करूं तो इंडस्ट्रियल स्केल पर ये रिएक्शन करवाया जाता है वेजिटेबल ऑयल को वनस्पति घी में कन्वर्ट करने के लिए। अगर वेजिटेबल ऑयल की बात की जाए तो वेजिटेबल ऑयल में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मौजूद होते हैं। इसकी डेफिनेशन भी इसी तरह से की जाती है, इट इज अ ट्राइएस्टर ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की हाइड्रोजिनेशन करवाई जाती है, यानी इनमें हाइड्रोजन ऐड करवाई जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, और इसके साथ टेम्परेचर दिया जाता है तकरीबन 250-300 डिग्री सेल्सियस और ये कन्वर्ट हो जाता है मार्गरीन यानी वनस्पति घी में। तो ये आप लोगों ने इसको MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखा। हम बात करते हैं हैलोजिनेशन की। हैलोजिनेशन में हम रिएक्शन करवाते हैं हैलोजन। हैलोजन कहते हैं ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स को और इनको रिप्रेजेंट किया जाता है एक्स से। एक्स का मतलब है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, लाइक दिस।
फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। हेलोजिनेशन मीन्स एडिशन ऑफ हेलोजन। एडिशन ऑफ हेलोजन किया जाता है लाइक क्लोरीन और ब्रोमीन का। व्हेन ब्रोमीन वाटर, जब ब्रोमीन वाटर जिसमें रेड ब्राउन कलर मौजूद होता है, इज एडेड टू इथीन, इसको इथीन में ऐड किया जाता है इन एन इनर्ट सॉल्वेंट, किसी इनर्ट सॉल्वेंट में लाइक कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ये जो ब्रोमीन है ये अक्रॉस द डबल बॉन्ड ऐड हो जाता है, यानी एक ब्रोमीन इस जगह पर और दूसरा ब्रोमीन इस जगह पर ऐड हो जाता है अक्रॉस द डबल बॉन्ड। एक बॉन्ड टूट जाता है और ब्रोमीन ऐड होने के बाद एक ब्रोमीन एक कार्बन के पास दूसरी दूसरे कार्बन के साथ इस तरह से अटैच हो जाती है। आप देख सकते हैं दिस इज द फर्स्ट ब्रोमीन, दिस इज द सेकेंड ब्रोमीन और ये पूरा का पूरा कंपाउंड बन जाता है कार्बन वन पे और कार्बन टू पे। इसे कहते हैं वन टू डाई ब्रोमो इथेन। वन टू का मतलब पहले और दूसरे कार्बन पे, डाई मीन्स दो, ब्रोमो मीन्स ब्रोमीन, इथेन एच दो कार्बन वाला, एन जिसमें सिंगल बॉन्ड है, तो वन टू डाई ब्रोमो इथेन। इसको विसिनल, विसिनल कहते हैं साथ साथ वाले, इसे विसिनल डाईहैलाइड के नाम से भी जाना जाता है। तो विसिनल डाईहैलाइड कहते हैं इसको। विसिनल डाईहैलाइड की अगर मैं बात करूं तो इसमें साथ साथ वाले कार्बन के ऊपर दो हेलोजन ग्रुप मौजूद है और इसी को ब्रोमीन वाटर टेस्ट के तौर पर यूज किया जाता है। ब्रोमीन वाटर को ऐड किया जाता है। ब्रोमीन वाटर की बात करें तो ब्रोमीन वाटर का जो बेसिक कलर है, इसका बेसिक कलर होता है रेडिश ब्राउन, ठीक है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इसका कलर है, इसका कलर है रेडिश कलर। तो इस रेडिश कलर वाले कंपाउंड को हम लोग ऐड कर देते हैं केमिकल सैंपल के अंदर। जब हम इसे केमिकल सैंपल जिसमें कोई अनसैचुरेटेड कंपाउंड मौजूद है या कोई सैचुरेटेड कंपाउंड मौजूद है, अगर सैचुरेटेड कंपाउंड होगा जिसमें कोई भी डबल बॉन्ड मौजूद नहीं है तो ब्रोमीन का कलर सेम रेडिश ही रहेगा, ब्रोमीन का कलर चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर कोई अनसैचुरेटेड कंपाउंड मौजूद है तो ब्रोमीन का कलर चेंज हो जाता है और ब्रोमीन कलरलेस हो जाता है, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं ब्रोमीन का कलर डिस्चार्ज हो गया, ब्रोमीन कलरलेस हो गया। तो इसको यूज किया जाता है एज आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, ब्रोमीन वाटर टेस्ट के बाद। इस रिएक्शन में डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाता है सिंगल बॉन्ड में जैसे ही ब्रोमीन का मॉलिक्यूल ऐड होता है, ठीक है, और इसको आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। बात करते हैं हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन। हाइड्रोहेलोजिनेशन दो वर्ड हैं जी यहाँ पे, एक है हाइड्रो विच मीन्स हाइड्रोजन और दूसरा वर्ड है यहाँ पर हेलो जिसका मतलब है एक्स यानी हेलोजन। तो हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड्स। अब हाइड्रोजन हेलाइड्स हम लोग ऐड करते हैं, याद रखें हाइड्रोजन हेलाइड्स की रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है हाइड्रोजन आयोडाइड इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन क्लोराइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो ये आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछा जा सकता है। इन ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की अगर हम बात करें तो ये है जी आपके पास ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ठीक है। होता क्या है, सिंपली ये हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन कार्बन पे और हेलोजन आकर दूसरे कार्बन पे अक्रॉस द डबल बॉन्ड ये ऐड हो जाते हैं, इसी तरह से हमारे पास एडिशन हो जाता है हाइड्रोजन हेलाइड का। बात करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स की। अगर हम ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स की बात करें तो इसको ऑक्सीडेशन से ज़्यादा हाइड्रोक्साइलेशन कहना ज़्यादा मुनासिब होता है क्योंकि इसमें अल्केन के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप की एडिशन हो जाती है। तो ड्यू टू द एडिशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो डबल बॉन्ड है वो टूट के सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। आप देख सकते हैं कि अल्कीन के ऊपर डबल बॉन्ड के अक्रॉस एडिशन हो गई। अब ये एडिशन कैसे होती है, ये एडिशन होती है KMnO4 की मौजूदगी में और ये एडिशन होती है एक्वस KMnO4 की मौजूदगी में। तो अल्कीन डीकलराइज कर देते हैं पिंक कलर ऑफ एसिडिफाइड डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ पोटाशियम पर मैंगनेट बिकॉज द डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन रिएक्ट करते हैं MnO4 के साथ जो फर्दर MnO2 बनाता है और इथेन ग्लाइकोल बनता है। ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अब ये इस रिएक्शन की केमिस्ट्री है। इस रिएक्शन को अनसेचुरेशन टेस्ट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ही हम किसी अनसेचुरेटेड, आप देख सकते हैं ये एक अनसेचुरेटेड कंपाउंड है, अनसेचुरेटेड कंपाउंड की आइडेंटिफिकेशन ये होती है कि अनसेचुरेटेड कंपाउंड में मौजूद होता है हमारे पास
डबल बॉन्ड, ठीक है। तो आप देख सकते हैं दिस इज डबल बॉन्ड, अनसेचुरेटेड कंपाउंड में डबल बॉन्ड की मौजूदगी की वजह से इसे अनसेचुरेटेड कंपाउंड कहते हैं। ये डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड के MnO4 के कलर को डिस्चार्ज कर देता है और ये जो पिंक कलर है ये डिस्चार्ज हो जाता है, ठीक है, ये खत्म हो जाता है, डीकलराइज हो जाता है। और इस कलर के डीकलराइज या डिस्चार्ज होने की वजह से हम इसको बेयर्स टेस्ट में इस्तेमाल करते हैं। सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट लेक्चर, टेक प्लेस।